बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं स्मूथ रेसिपी की दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज आपको लसाने आसान तरीके से वेजिटेरियन और दूसरा मीट के साथ बनाना सिखाऊंगा। आज हमने चिकन के साथ लसाने बनाने हैं और वेजिटेबल के साथ। ये इंतहाई ईजी और आसान है। इनको सेफ करना भी, डीप फ्रीज कैसे करना है, बाहर निकालना या आपको मेहमान आ गए कैसे करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलो तो नाज़रीन शुरू करते हैं जी। नाज़रीन, सबसे पहले लसाने के लिए हमें ये पट्टियाँ चाहिए। उसके लिए पास्ता के लिए ये हमने ये ली हैं, बरी बनाई हैं, इसको सिर्फ बॉईल करना है हल्का। वेजिटेरियन के लिए हमने ये रखा है कुरियतन तोरी जो होती है। ये बैंगन है, इसको हल्का सा फ्राई कर लें या वैसे ही रख लें या इसको बॉयल कर लें। और फिर उसके लिए हमारे पास ये मोज़रेला काज है ग्राइंड किया हुआ, ये बाज़ार से मिल जाता है। ये प्याज और गाजर जो उसकी सॉस में पड़ेगा, बोलोगिनिया सॉस बननी है जो मीट की लासाने बनेंगे उसके लिए। ये शपीनाजी है, पालक जिसको बोलते हैं, ये आप इसको हल्का सा बॉयल करें और इसमें काली नमक मिर्च ऐड करनी है, वो करके इसको पहले से तैयार किया हुआ है जी। नाज़रीन, ये हमारे पास शैम्पिग्न है और ये शिमला मिर्च है जो हमारी सॉस में पलेगी, बोलोगिनिया सॉस। ये मुख्तलिफ बोलोगिनिया सिसिलियाने सॉस है, इटालियन की मशहूर इलाके हैं उनके, उन्हीं के नाम पे ये उनकी सॉसें चलती हैं। और ये क्रीम है, फुल मिल्क क्रीम, और ये भी लसाने में इस्तेमाल होगी। ये टमाट है हमने जो मिक्स करके पहले से रखे हुए हैं, फ्रेश टमाटर आप ले लें, उन्हें मिक्स कर लें। तो इसके अंदर हमने ओरिगानो डाला हुआ है, थोड़ा सा काली नमक मिर्च, तो ये पहले से ताकि टाइम बच जाए। तो चले नाज़रीन, हम अब शुरू करते हैं। ये मुर्गी का कीमा है हमारे पास, तकरीबन आधा किलो है, यह हमारी लसाने के लिए काफ़ी है। पानी हमने पहले से डाल दिया है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून, ये 2 लीटर पानी है, हमने टेस्ट के लिए 3 लीटर चाय के चम्मच हमने वो नमक डाला, उसके साथ हमने 2 खाने के चम्मच अंदाजे से ऑयल डाला ताकि चिपके ना। इसको फौरी ये देख ले आप, एक दूसरे के ऊपर रहे घुमा के इसको डालना है इनको, ताकि चिपके ना। एक लसाने में ये 6 अदद जाएंगे, साथ साथ हमें हलाना पड़ेगा जी। नाज़रीन, हमारा जितनी देर में वो पास्ता तैयार होता है, इसी देर में उसी इस नाम में हम ये अपनी बोलोगिनिया सॉस तैयार कर लेते हैं। ये चिकन के साथ है, चिकन इसलिए इस्तेमाल किया कि कुछ दूसरा पसंद नहीं करते, गाय या लाम का मीट जो है। ये हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयल डाला है, और ये हमने इसकी आग नीचे से बंद कर दी क्योंकि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये रेडी है, इसको भी फिल्टर करना है। ये हमने रख दिए, सबसे पहले इसने जैसे ऑयल थोड़ा सा रेडी हुआ है, इसमें हमने प्याज आधा चॉप करके रखा, लहसुन की 1 गुली है 1 पीस, और आधी गाजर दरमियाने साइज की यानी कि 50 ग्राम, ये प्योर बोलोगिनिया, जी बहन और भाई इसको साथ साथ हलाना है। जैसे ये इसको सुवेरिन कहते हैं, जैसे इसको पसीना हल्का सा आए नरम हो, इसमें आपने चिकन का कीमा वो डाल देना, गाय का कीमा, बकरे का, जिसे भी बनाना है। क्योंकि मुझे फरमाइश आई थी चिकन के कीमे के साथ लसाने और वेजिटेरियन पालक और ओबरजीन या बैंगन जिसको बोलते हैं और पूरी के साथ जी। ना जैसे ये अब हो रहा है हल्का सा, इसी तरह में हम अपना फिल्टर कर लेते हैं लसाने को, पानी खोल लेना और उसमें हमने ये फिल्टर कर देने का। ये देखिए लहदा लहदा, कुछ टूटेंगे लेकिन ज़्यादा आपकी सेफ रहेंगे। पानी में जितना जल्दी और ठंडा करें इसको, जी ना भाई। अभी इसमें हमने 1/2 किलो कीमा जो चिकन का वो डालना, चिकन की छाती का स्पेशल मैंने लिया था, इसको थोड़ा सा भूनना है, फिर इसमें टमाटर डालेगा, ये
ये देखें हल्का हल्का अपना कलर देने लग पड़े। अब इसमें हम ये ओरिगनल हमारे पास आधा चम्मच ये डालेंगे, ये चाय का चम्मच है, ये स्पेशल ओरिगैनो जिसको न्याजबू कहते हैं हमारे मुल्क में, उसको इटली में बहुत हर खाने में पिज़्ज़े में हर चीज़ में ये इस्तेमाल करते हैं गोश्त वहाँ पे। ये सबसे पेट की बीमारियाँ मोटापे का और जिस्म से बू निकल आए मुँह से जो बू आती है उसको ये कम करता है। उसके बाद डालें हम दो ये चम्मच नमक, ये याद रखिए ये अब क्योंकि हमारे पास मकदार थोड़ी है इसलिए हम चाय के चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काली मिर्च है और ये हमने एक टी स्पून इसमें डाला है, जैसे ही ये थोड़ा सा भुजा ये प्योर बोलोगिनी है। बोलोगिनी इटली का शहर है, बड़ा मशहूर उनके अपने खाने हर इटली के जो शहर है उसके मशहूर अपने खाने, उसकी जो भी सोसेज वगैरह होती है उनके नाम से मशहूर और रजिस्टर है। अभी नाजी जैसे ये कीमा अपना कलर पकड़ रहा है, रंग पकड़ रहा है, इसी में हमने ये स्पेशल बोलोगिनिया में जो बोलोगिनिया में सॉस बनती है सिसिली और दूसरे इलाके में उसमें ये नहीं बोलोगिनिया में ये पड़ती है, ये शिमला मिर्च कटी हुई कटी हुई शिमला मिर्च और शैम्पिगन है, ये टेस्ट देती है। तो थोड़ा सा और भूलेंगे इसके साथ, ये देखें इंतहाई प्यारी खुशबू इसकी, इसे देखें कोई मसा ओरिगानो में काली नमक मिर्च और थोड़ा सा ओलिवन ऑयल है, ये इंतहाई आप कह लें कि सेहत अफजा है, कोई इसमें नमक या इसमें चर्बी वगैरह का इस्तेमाल या जैसे कह लें का कट वो नहीं है। कि अब हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन भूल चुका है कीमा, टमाटर के प्याल दे और उसी टमाटो सॉस ने सिर्फ मिक्स की हुई है 800 ग्राम है, इसमें से तकरीबन 400 ग्राम इसमें डलेगी। ये फ्रेश टमाटर लेके उसको आप कुछ नहीं करना खाली मिक्स कर लें। क्योंकि हमने लहसाने में डालना है इसलिए ज़रा ये गाढ़ा रहेगा। अमूमन जो बनी बनाई मिलती हैं उसमें ये सॉस में टमाटर ज़्यादा होता है, जब लहसाने को बनाएं तो स्लिप हो जाते हैं पानी वाली बन जाती हैं बिल्कुल फैली हुई जैसे सॉस में कोई चीज़ तैर रही हो तो वो अच्छा नहीं है। ये नाजन इसको हम 3 से 4 मिनट तक खाली भुनेंगे ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाए, इसका जो असर अरोमा निकला है वो निकल आए। नमक मिर्च आपने हसब ज़ायका इस्तेमाल करना है, इसमें कोई चीज़ नहीं कोई ऐसा मसाला नहीं डालना तो वरना इसका जो टेस्ट है ओरिजिनल वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेश साथ रखा होता है ये इटालियन की जान है हर खाने में, जैसे हम धनिया पुदीना इस्तेमाल करते हैं इसी तरह ये बासी थोड़ा सा तोड़ें और इसके अंदर जैसे हम धनिया पुदीना इस्तेमाल करते हैं। अब देखें इंतहाई कलरफुल खूबसूरत ये बन चुकी है, यह हमारी इस्तेमाल करने के लिए रेडी है पूरी मकम्मल। जी नाजरीन तो अब हमारा ये लहसाने की चीज़ें तैयार हो चुकी है, सिंपल इजी है। अब हम शुरू करते हैं लहसाने के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास टमाटर सॉस है आप किसी भी मार्केट से तैयार शुदा मिल जाती है, इसको दोनों को हल्का हल्का आप कह लें कि ये देख लें 3 चम्मच या 2 चम्मच ताकि नीचे ना लगे। मैं किसी बड़े बर्तन में मेरे पास है जो ओवन में लोहे के जो हमारे पास प्लेटें होती जिसमें तय उसमें भी कर सकता, लेकिन इसमें सहूलत यह कि आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आपको फ्रीजिंग का भी तरीका बता रहा हूँ। और इसको आजकल हमारा यही है कि इसमें हम तैयार करते हैं 40-50 जो भी डेली की हमारी ज़रूरत है सुबह सुबह आके उसका हम फ्रीजिंग के लिए रख देते हैं या हम नॉर्मल फ्रिज में और फिर उसके बाद निकाला और ओवन में रख के दे दी प्लेट में बाद में लगा के। जी नाजी हमने ये लिया एक स्टुक हमने लहसाने का, इसके अंदर ये कीमे की है और ये हमारी वेजिटेबल की, इसको रखा। सबसे पहले हम कीमे को लेते हैं, कुछ नहीं करना हमने एक तैज की जैसे बिरयानी की लगाते हैं
ये हमने लगा दी जी बहनों। ये मैं आपकी ख़ास सहूलत का, ये मैं काज डाल रहा हूँ अभी, ख़ास सहूलत के ये बना रहा हूँ, क्योंकि ये आप ईद के लिए भी या किसी फंक्शन के लिए अभी से तैयार करके रख सकते हैं डीप फ्रीज में, तो आपको बाद में बनाना मुश्किल नहीं होगा। हमने ये मोसरेला काज डाला है थोड़ा सा ऊपर, फिर उसके बाद ये हमारा काज आएगा। अगर काज ज़्यादा, जितना भी आप पसंद करते हैं, हम इसमें मीडियम काज रखते हैं। उसके बाद आप ये दूसरी तह रखेंगे, इसके ऊपर आपने फिर काज लगाना है, फिर उसके ऊपर ये दूसरी पट्टी आएगी हमारी ताकि मजबूत हो। उसके बाद फिर आपने ये कीमा लेना है, इसके ऊपर फिर आपका काज आएगा, फिर आपने एक तह दोबारा इस पट्टी की देनी है। उसके बाद थोड़ा सा आपने कीमा ऊपर लगाना है। उसके बाद आपके पास जो टमाटो सॉस तैयार है उसको थोड़ा सा आपने साइडों पे कीमा भी लगा सकते हैं, दूसरा भी। उसके बाद आप देखें, आपने फिर काज, मोसरेला, पनीर है जो जिसको बोलते हैं, यूरोप में सारे काज ही चलता है, ये पनीर आपने इसके ऊपर लगाना जो क्रश किया हुआ है। आप हॉलैंड का गोयदा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मोसरेला सबसे अच्छा होता है, ये इतना आप कह लें कि इसमें फैट नहीं होती। जी नाज़रीन, ये आप हाथ से दबा दें, इसके ऊपर आपने डालना है ओरिगानो खुशबू के लिए। ये हमारे पास ओरिगानो मौजूद है, घबराने के तो हाथ से पकड़ें, इसके ऊपर लगाएं। इसके ऊपर आपने बासलिक लगाना है, एक दो पत्ते। जी नाज़रीन, उसके बाद ये थोड़ी सी रूम है, आप चम्मच के साथ, ये रूम है थोड़ी थोड़ी साइड पे ताकि खुशबू के लिए इसका जायका भी। हमने टमाटर सॉस भी इस्तेमाल की, टमाटर की साइडों पे थोड़ी मैंने बताया था पहले। ये नाज़रीन आपकी लसाने, कीमे के साथ लसाने है, लसाने है जो कीमे के साथ, हमारी चिकन के कीमे के साथ तैयार हो चुकी है। अब हम वेजिटेरी शुरू करते हैं, लगाई थी, उसके बाद हम थोड़ी सी ये स्पिनाजी लगाते हैं। रूम वाली चम्मच ले लेते हैं इस तरह, इंतहाई मज़े की स्पिनाजी। खाली आप पालक लेके उसको काटें, बॉयल कर लें, उसके बाद काली नमक मिर्च थोड़ी सी रूम डाल के रेडी, इसको ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि इसका अरोमा, इसकी खुशबू और असल लज्जत वो खराब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमने वही पनीर ऊपर लगाना है, काज, चीज़, जी ये चीज़ हमने डाल दी, थोड़ा ऊपर ओरिगानम, ओरिगानम डाला है। फिर हमने ऊपर एक तह उसकी पास्ते की लेनी है। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ टूटा हुआ पास्ता है, उसको ले लें, नीचे लगा लें, वही वाला टेक्निक। थोड़ा सा हमने चीज़ लेना, इसके ऊपर डाला, इसके ऊपर एक तह आएगी ताकि मजबूती अंदर और खाने को भी कोई पास्ता मिले इसकी। इसके बाद हमने वेजिटेरिश का लगाना, वेजिटेबल का, ये देखें, ठीक है। ये हमारा बैंगन, ओबरजीन जिसको बोलते हैं, ये तोरी जिसको कुरियतन, ये तोरी की पहले लगी थी या लग गई थी, ये फिर बैंगन। अब ये दोबारा एंड पे जो बची थी, इसके ऊपर नाज़रीन हमने फिर वो काज डालने, इंतहाई मज़े का। ओरिगानम थोड़ा सा,
तो नाज़रीन फिर हमने ये आखिरी तय, नाज़रीन ये हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हमने ये पूरा काज लगाना है। वही थोड़ा हल्का साइडों पर टमाटर, ताकि जब हम इसको पकाएं ओवन में तो साथ ना लगे, और इसमें मुनासिब मकदार में पानी, टमाटर, जो भी चीज़ चाहिए इसको। अब इसमें रूम डालेगी, अब फिर थोड़ा काज, इसके ऊपर हमने वही वाला ओरिगानो लगाना है। दरमियान में एक अदद छोटा कैश टमाटर लगाना है। ये नाज़रीन हमारी लासाने, ये सबसे पहले वेजी तारिश, सबसे पहले ये हमारी कीमे वाली, दूसरी वेजिटेरियन, ये अंदर है। इसके ऊपर हम थोड़ा बस्ती तोड़ते हैं ताकि ये जले ना, अंदर तक हीटअप हो जाए। इसके ऊपर हम ये पेपर देंगे। हमारा ये टेम्परेचर 200 तकरीबन 50 हो चुका था, प्रीहीट हो चुका था अच्छी तरह। हमने इसमें दोनों लासाने रखे हैं अभी तकरीबन। जी नाज़रीन, ये तकरीबन हमारा तैयार होने का क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं, इंतहा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। सर्व करने का भी तरीका, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये हमारी वेजी तारिश है और ये हमारी बोलोगिनिया के साथ कीमे के साथ है चिकन के। चले नाज़रीन बिस्मिल्लाह करते हैं। जी नाज़रीन, ये वेजिटेरियन है, हमने हाफ निकालेंगे। देखिए इंतहाई खूबसूरत पूरा काज के साथ। जी नाज़रीन, अब हमने जो डेकोरेट करना है, ये हमारा परमिजन काज है, काफ़ी महंगा काज है, ये दोनों के ऊपर चलेगा। लगा दिए, इसके बाद हमारा छोटा कैश टमाट आएगा। जी नाज़रीन, ये हमारी आज की एक कह लें कि आपको सिखाने की छोटी सी काविश थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, अगर अप्रूव करके तो इतनी मज़े की है ये। तो ये हमारी वेजिटेबल की है, ये हमारी गिहा की। और भाई, ये थी हमारी फाइनल काविश। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, शाबाश।